हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भुजंगासन के बारे में। तो ये जो भुजंगासन है, इसका एक शॉर्ट वीडियो है एक तरीके से ये, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ डूइंग भुजंगासन, यानी कि भुजंगासन क्या है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, प्रोसीजर क्या है और कॉन्ट्रडिक्शंस क्या हैं। ये वीडियो जो है एक सीरीज़ जो है हमारी, ठीक है, उसका ही पार्ट है और ये छोटा वीडियो है। और कई सारे आसनों के ऊपर हम लोग वीडियो बना चुके हैं पहले ही, तो इस आसन में, इस आसन के बाद भी और कई सारे आसन हैं जो उनके वीडियोस भी आ रहे हैं लगातार, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे हम लोग अपलोड कर रहे हैं। तो राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन हमेशा यही प्रयास कर रहा है कि आप लोगों को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भुजंगासन का सबसे पहले हम लोग इमेज देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे ये क्या है। तो देखिए, इस आसन में क्या होता है कि जो बॉडी की शेप होती है वो एक सांप की तरह होती है, ठीक है। कैसी होती है? सांप की तरह हो जाती है। जैसे कि मान लेते हैं कि सांप की जो पूंछ होती है वो उठी हुई होती है ना, ठीक है, तो उसी की तरह हो जाती है ये शेप, ठीक। तो सांप जिसकी पूंछ उठी हुई है ऐसा कुछ आकृति बनती है और इसीलिए हम इसको कहते हैं भुजंगासन, या फिर हम इसको कहते हैं सर्पासन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? सर्पासन, सर्पासन या भुजंगासन, ठीक है। और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोबरा पोज, ठीक है, कोबरा पोज। एंड अब बात कर लेते हैं क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली हम जो लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर इसमें लिखा है कि देर इज़ अ लॉट ऑफ हेल्प इन सियाटिसा, ठीक है। सियाटिसा एक स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। जो भी भुजंगासन करते हैं, जो भी लोग भुजंगासन करते हैं उनका डाइजेशन अच्छा होता है और जो भी कब्ज की दिक्कत होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, वो भी नहीं रहती, ठीक है। और स्टमक का जो मूवमेंट है, ठीक, और मल त्याग का जो होता है, ठीक है, मल त्याग जो होता है वो भी अच्छे से हो जाता है। अच्छा, इस आसन से क्या होता है कि जो किडनी में अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत भी इन्फेक्शन है तो उसमें काफ़ी राहत मिलती है, इन्फेक्शन को दूर करता है ये, ठीक है। और जो हमारे लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, उनको भी मजबूत बनाता है, उनको हेल्दी रखने में मदद करता है, ठीक है। और जो हमारी अगर हमें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको भी ये दूर करता है। ये आसन जो है वो हमारे एड्रेनल ग्लैंड को भी अफेक्ट करता है, जिससे क्या होता है ना कि इससे स्ट्रेस वगैरह नहीं रहता हमारी माइंड में, ठीक। और हेल्प करता है कि जो ये जो आसन है इससे स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन दूर होता है। भुजंगासन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है, जिससे कि डायबिटीज़ भी कम की जा सकती है और अगर हम इसको रेगुलर करते हैं, ठीक। तो जो जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसको डायबिटीज़ है और अगर वो इसका रेगुलर प्रयास करता है, ठीक है, रेगुलर अभ्यास करता है, तो जो इंसुलिन का अमाउंट होता है, ठीक, वो सही बना रहता है और इससे ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक चलता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है पर्सन की, ठीक है, किसी भी इंसान की जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो अगर भुजंगासन इंसान करता रहता है, ठीक, और उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्ट्रांग बन जाती है, ठीक है, और फ्लेक्सिबल भी बन जाती है स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी पूरी जो होती है वो भी पूरी तरीके से लचीली बन जाती है, ठीक। और ये बहुत ज़्यादा मजबूत कर देता है हमारे सीने की, चेस्ट की मसल्स को, शोल्डर्स की मसल्स को, और हमारी बाहें और एब्डोमेन, पेट के तरफ का जो हिस्सा होता है उसको भी मजबूत करता है। फिर इस आसन को करने से फ़ायदा ये होता है कि बैक पेन अगर हो रहा है ना, उसमें बहुत ये फ़ायदेमंद होता है। अगर इसको रेगुलर करते हैं तो बैक पेन से राहत मिलती है, ठीक है, क्योंकि इससे स्पाइन जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है और स्ट्रॉन्ग बन जाती है। भुजंगासन करने से जो होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, फ्लो ऑफ ब्लड इज़ गुड, ठीक है, एंड इट ऑल्सो काम्स देयर माइंड, रिड्यूसेस इरिटेबिलिटी एंड एंगर। जो गुस्सा अगर किसी को आता है और चिड़चिड़ापन आता है तो उसको भी दूर करता है ये आसन जो है। बहुत ही बेनिफिशियल है अस्थमा के पेशेंट्स के लिए, अगर किसी को अस्थमा है, ठीक है, तो वो अगर इस आसन को परफॉर्म करते हैं तो काफ़ी हद तक उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। और ये जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उनको स्ट्रेच करता है, ठीक है, उनमें खिंचाव लाता है और ऑक्सीजन अच्छे से फ्लो करवाता है, ठीक, ड्यू टू विच ऑल द ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड, और जितनी भी सांस से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं उनको दूर करता है। अगर रेगुलर इसका हम लोग अभ्यास करते रहते हैं तो धीरे धीरे ये जो स्लिप डिस्क होती है, ठीक है, यहाँ पे स्लिप जो है लिख दिया गया है, गलती से मिसप्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम जो होती है उसको भी दूर करता है, ठीक है। फिर क्या है, इस आसन से करने में क्या होता है कि जो थायराइड होता है, ठीक है, या फिर पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है, ठीक है, अगर उससे जुड़ी हुई कोई समस्या है तो 5 मिनट आसन करने से, ये आसन करने से उसमें भी काफ़ी मदद मिलती है, थायराइड को कम करता है।
अच्छा, भुजंगासन जो है वो बेनिफिशियल रहता है विमेन के लिए भी, खास करके जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, ठीक है, उसमें काफ़ी रिलीफ प्रदान करता है भुजंगासन, ठीक है। अब बात करते हैं क्या इसका प्रोसीजर है। तो सबसे पहले स्टमक के बल ग्राउंड पे लेट जाना होता है, पेट के बल, ठीक है, अपने जो पैर हैं और हेड है वो स्ट्रेट रखने होते हैं ग्राउंड पे, जो भी लेग्स हैं आपके उनको स्ट्रेट कीजिए, सीधे कीजिए, और जो फीट हैं आपके, ठीक है, पैर जो हैं और एड़ियां जो हैं उनको एक साथ लाना होता है। कीप बोथ द हैंड्स बिलो बोथ द शोल्डर्स, दोनों हाथ जो हैं वो कंधे के नीचे रखने होते हैं, ठीक है, और जो दोनों कोहनियाँ हैं उनको पास लाना है और पैरेलल होना चाहिए बॉडी के, ठीक है, दोनों कोहनियाँ। टेकिंग लॉन्ग ब्रीथ्स, और लंबी सांस लेते हुए स्लोली धीरे धीरे लिफ्ट करना है हेड को, ऊंचा उठाना है, जैसा कि आप इमेज में देख लीजिएगा, ठीक है। शुरुआत में मैंने इमेज इसकी डाल दी है, अपलोड कर दी है, तो आप लोग देख सकते हैं, इसी वीडियो में है शुरुआत में। देन चेस्ट, और चेस्ट को ऊपर उठाना है, और फिर स्टमक को भी, ठीक है, और फिर ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर ऐसे ही उठाना है जैसे इमेज में है। नाउ वाइल रेजिंग द बॉडी, और जब आप शरीर को उठा रहे हो, ठीक है, ऐसे विद द हेल्प ऑफ बोथ द हैंड्स, हाथों की मदद से पुल इट टूवर्ड्स द बैक ऑफ द वेस्ट, ठीक है, पीछे की तरफ से खिंचाव होता है इसमें, ठीक है। नोट, मेंटेन एन इक्वल वेट ऑन बोथ आर्म्स, दोनों हाथों पर इक्वल वेट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप एक ही हाथ पर वजन डाले हैं पूरे शरीर का, ठीक है, उससे दिक्कत हो सकती है। वाइल ब्रीदिंग कॉन्शियसली स्ट्रेटन बोथ आर्म्स, अब धीरे धीरे सांस लेनी है इस, और आपको होश में सांस लेनी है, बिल्कुल आराम से अच्छे से सांस लीजिए, ठीक है। स्ट्रेटन बोथ आर्म्स बाय स्लोली बेंडिंग द स्पिन ज्वाइंट, ठीक है, स्पाइन ज्वाइंट इवन मोर, ठीक है, धीरे धीरे बेंड करना स्पाइन का जो ज्वाइंट होता है इसको, ठीक है, इवन मोर। रेज योर नेक एंड लुक अप, और अपनी गर्दन को उठाना है और ऊपर देखना है। नोट करने वाली बात यह है कि आपके जो हाथ हैं वो आर अवे फ्रॉम योर ईयर्स, क्या वो आपके कानों से दूर हैं। कीप योर शोल्डर्स रिलैक्स्ड, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स्ड रखना है, ठीक है, अगर ज़रूरी हो तो आप क्या कर सकते हैं कि बेंड कर सकते हैं अपनी एल्बोज़ को, ठीक। एज यू गो, जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे आसन, तो यू कैन लर्न टू गिव मोर कर्वेचर टू द बैक, और धीरे धीरे और आप कर्वेचर ला सकते हैं, ठीक है, इस आसन में, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस जैसे आप करते जाएंगे वैसे ही, एक दिन में ये नहीं होगा, आपको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी अगर आप लोगों को ज़्यादा खिंचाव और ज़्यादा लचीलापन चाहिए, ठीक है। कीप इन माइंड दैट योर लेग्स आर स्टिल स्ट्रेट, और आपकी जो लेग्स हैं वो स्ट्रेट रहने चाहिए पूरे आसन के दौरान। एक स्मॉल एक हल्की मुस्कान होनी चाहिए आपके चेहरे पर, ठीक है। कीप टेकिंग लॉन्ग ब्रीथ्स, और लंबी सांसें लेते रहें। स्ट्रेच द बॉडी अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, आपकी जितनी क्षमता हो, आपकी जितनी कैपेसिटी हो, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को बॉडी को स्ट्रेच करना है। ट्विस्टिंग टू मच कैन बी हार्मफुल, ज़्यादा एकदम ट्विस्ट नहीं करना है बॉडी को, ठीक है, ये हार्मफुल हो सकता है आप लोगों के लिए। वाइल एक्सहेलिंग फर्स्टली ब्रिंग द स्टमक देन द चेस्ट एंड देन द हेड स्लोली बैक टू द ग्राउंड, मतलब जब आप सांस छोड़ें, ठीक है, और धीरे धीरे क्या है, स्टमक को नीचे लाएं, फिर चेस्ट को नीचे लाएं, और फिर हेड को नीचे लाएं धीरे धीरे। अच्छा, कुछ सावधानियां हम लोग देख लेते हैं, क्या सावधानियां हम लोगों को बरतनी चाहिए अगर हम भुजंगासन कर रहे हैं। ये आसन जो है, हर्निया अगर किसी को है, हर्निया एक डिजीज़ होती है, ठीक है, अगर वो डिजीज़ है किसी को तो ये प्लीज़ मत कीजिएगा आसन, ठीक है। ये आसन जो है उन लोगों के द्वारा भी नहीं किया जाना चाहिए जिनको बैक इंजरी है या बैक में फ्रैक्चर है। ये आसन जो है वो लोग भी ना करें जिनको कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम है, या फिर ये आसन उनको भी नहीं करना चाहिए कि अगर हाल ही में कोई सर्जरी वगैरह है, या वैसे भी सर्जरी वगैरह अगर कराई गई है एब्डोमिन में, लोअर एब्डोमिन में, तो उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। डू नॉट डू दिस आसन इवन इन हेडेक, अगर सरदर्द हो रहा हो तब भी ये आसन ना करें। डू नॉट ऑलवेज एवर जर्क योर वेस्ट वाइल डूइंग दिस आसन, एकदम झटके से जो है कमर को नहीं ऊपर करना है, ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। तो स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो में हमने काफ़ी कोशिश की है भुजंगासन के बारे में बताने की, उसके बेनिफिट्स, उसके जो भी प्रोसीजर है, ठीक है, उसके बारे में हमने बताया है, और कॉन्ट्राडिक्शंस जो है हमने वो शेयर किए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, और प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए, और राजन अकेडमी ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हैं तो आप लोग अपने जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप या जो भी ग्रुप्स हैं उनमें प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।